हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये है फरवरी 3rd वीक का करंट अफेयर वीडियो। मैं जो वीकली वीडियो बना रहा हूँ उसकी चेन में, दोस्तों थोड़ा सा डिले के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कुछ दिनों से समय की व्यस्तता के कारण मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये करंट अफेयर की सीरीज़ जो मैं वीकली आपके पास लेकर आ रहा हूँ, ये आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, खासकर UPPCS जो अब मार्च महीने में शेड्यूल्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि इंडिया रिसेंटली क्लियर द प्रपोजल फॉर ग्रांटिंग लॉन्ग टर्म वीज़ा टू रिफ्यूजी माइनॉरिटी फ्रॉम। तो ऐसी कौन सी रिफ्यूजी माइनॉरिटी है, किस कंट्री से है, जिसको लॉन्ग टर्म वीज़ा देने का प्रपोजल इंडिया ने एग्री कर लिया है? तो ये है अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान से जो रिफ्यूजी माइनॉरिटी इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा का करंट दिया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज स्वॉर्न इन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेपाल। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बदले जा रहे हैं और नए प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ग्रहण की है, तो हमें उनका नाम बताना है। तो ये है खगड़ा प्रसाद शर्मा ओली। दोस्तों अब ऐसे में आपको जो पुराने प्राइम मिनिस्टर अभी रिप्लेस्ड हुए हैं उनका भी नाम पता होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि इससे पहले कौन है प्राइम मिनिस्टर जो रहे थे, जिनको रिप्लेस किया है खगड़ा प्रसाद शर्मा ओली ने। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इसमें हमें इंडिया के उस स्टेट का नाम पूछा गया है जिसमें जो मैटरनल मॉर्टलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ राइट नाउ हाइएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स, 300 अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ 167। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेशनल एवरेज है क्या MMR के केस में, वो है 167 और इस पर्टिकुलर स्टेट का जो हाइएस्ट है वो है 300, तो वो स्टेट है असम। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट की थी, जिसका इनिशियली टारगेट रखा गया था 5 करोड़, जिसमें LPG कनेक्शंस वगैरह के प्रोविजंस थे। अब इसका टारगेट इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसका जो नया टारगेट है हमें वो बताना है। तो इसका नया टारगेट होगा 8 करोड़। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ट्रैवल मिनिस्ट्री ने बेसिकली स्कूल्स वगैरह की एक स्कीम लॉन्च की है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और ये खासकर उन ट्राइबल एरियाज में की है जहाँ पे ट्राइबल स्कूल्स वगैरह की फैसिलिटी बहुत कम है। तो ये स्कीम बेसिकली जो एजुकेशन वेलफेयर जो है और स्पेशली ट्राइबल एरियाज में वहाँ के लिए है। तो आपको एक तो स्कीम का नाम ध्यान रखना है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और इसका पर्पज़ ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को ये टारगेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस स्कीम के चलते अभी रिसेंटली कितने और एक्स्ट्रा स्कूल का एडिशन करने के लिए प्रोविजन किया गया है। देखिए क्वेश्चन आंसर है 562। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन अभी क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में आया कि हाँ कितने और स्कूल्स के एडिशन के लिए प्रपोजल ग्रांट किया गया है, तो मैंने इस क्वेश्चन हिसाब से बनाया है। बट अगर आप ये नहीं याद रख पाते हैं कि यहाँ कितने एडिशनल स्कूल्स का प्रोविजन ऐड किया गया या नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत टफ फैक्ट्स होते हैं, ये इतना जनरल एग्जाम में इस तरह से शायद नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कम से कम आपको स्कीम का नाम जरूर ध्यान देना चाहिए, क्लब ए मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु इनॉग्रेटेड द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम इन अहमदाबाद। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अहमदाबाद का, ट्रेन द ट्रेनर, और ये स्पोर्ट्स जो है उसके लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो अब इसमें किस सेलिब्रिटी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इनॉग्रेशन किया है, हमें उनका नाम बताना है। तो वो है पुल्ला गोपीचंद। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंडियाज फर्स्ट रेडियो फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन। ठीक है, यह रेडियो फेस्टिवल है और इंडिया में पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये रेडियो प्रसारण वगैरह के जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम चलते हैं
उनके कोलेबोरेशन के साथ एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये मनाया गया है। ऑलराइट, लेट मी टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एज पर मिलिट्री बैलेंस 2018 रिपोर्ट, इंडिया ने किस ऐसी कंट्री को रिप्लेस कर दिया है इन टर्म ऑफ स्पेंडर ऑन डिफेंस। तो 2017 में अब इसका जो इंडिया का एक्सपेंस है वो $52.5 बिलियन का हो चुका है और इसने ओवरटेक किया है किस कंट्री को। और अब इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर बन चुका है वर्ल्ड में। तो एक तो आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना है कि फिफ्थ लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इंडिया में इस समय, सॉरी जो कंट्री है वो इंडिया बन चुकी है और जिसको उसने ओवरटेक किया है वो है यूके। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। हु इनॉग्रेटेड द फ्रेंडशिप गेट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक फ्रेंडशिप गेट एक सेटअप किया गया है इन दोनों दो देशों के बीच में मित्रता का और बढ़ाने के लिए, इसके पर्पस से ये किया गया है। तो किस पर्सन ने इसको इनॉग्रेट किया है? तो वो है गंगा प्रसाद। अब गंगा प्रसाद जी जो हैं वो मेघालय के गवर्नर हैं। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इनॉग्रेटेड 8th थिएटर ओलंपिक एक्ट। तो थिएटर ओलंपिक है उसको इनॉग्रेशन किया गया है, वो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? वो है रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑप्ट आउट द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अनवील्ड इन द यूनियन बजट। तो अभी हाल फिलहाल यूनियन बजट में डिक्लेयर किया गया था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में और हमें उस स्टेट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले इस स्कीम को ऑप्ट किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी स्कीम्स रिलेटेड गवर्नमेंट से जो चलाती हैं स्कीम्स उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उस परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेट है बंगाल। ऑलराइट, लेट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड स्प्रिंग फेस्टिवल विद विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ मिलकर इंडिया स्प्रिंग फेस्टिवल मना रहा है? तो ये पड़ोसी राज्य मुल्क है, ये हमें बताना है। तो ये है चाइना। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड विच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टू लॉन्च अ फुल फीचर इंटर बैंक मनी ट्रांसफर सर्विस इन इंडिया। तो ये जो बेसिकली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है ये अभी टेस्टिंग मोड में चल रहा है और इसने इंडिया में अप्रूवल ले लिया है अपना नया फीचर लॉन्च करने के लिए जिसके तहत ये इंटर बैंक मनी ट्रांसफ़र की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो हमें इस ऐप का नाम बताना है। तो ये ऐप काफ़ी न्यूज़ में रही है अपने इस नए फीचर के लिए और ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा डिजिटल इंडिया का जो मिशन चल रहा है इंडिया में उसके पर्सपेक्टिव से भी। तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है व्हाट्सअप। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 अभी अभी आई है, इसके हिसाब से जो इंडिया की रैंकिंग है हमें वो बतानी है ऑल ओवर वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ एनुअल फॉरेस्ट गेन। तो जो रेट ऑफ गेन है एनुअल बेसिस पे फॉरेस्ट का उसको देखते हुए इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो वो रैंकिंग है 8th। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इसको ज़रूर प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मध्य प्रदेश फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश के अंदर फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क लॉन्च इनॉग्रेट किया गया है, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है? ये है रायसेन में। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर रिजिग्नेशन ऑफ जैकब जूमा। दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ में अभी हाल फिलहाल रहा है, जैकब जूमा जी जो हैं इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और न्यू प्रेसिडेंट जो है वो साउथ अफ्रीका के अब कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो है क्रिसिल रैमाफोसा। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का पदभार नए चेयरमैन साहब ने संभाला है, हमें उनका नाम बताना है। तो ये अपॉइंटमेंट में से क्वेश्चन आया है, ये है अरविंद जमकेदर।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु इनॉग्रेटेड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 जिसका थीम था पार्टनरशिप्स फॉर द रिसेलेंट प्लैनेट। यह न्यू दिल्ली में मनाया गया था, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? देखिए दोस्तों, ये इनॉग्रेट तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2018 हुई कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में हुई है। और अगर आप ध्यान रख पाएँ तो इसका थीम भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप्स फॉर अ रिसेलेंट प्लैनेट। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच टीम हैज़ वॉन इट्स मेडन टाइटल इन 23rd एडिशन ऑफ आ सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप? तो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप में किस टीम ने टाइटल जीता है? तो ये वुमेन्स से रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट से होते हैं वो खासकर अलग से आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड फोकस एग्जाम्स में रहता है, कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा ज़रूर मिलेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो टीम है उसने जीता है सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी ने अभी इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकॉन 2018 एंड एग्री एक्सपो 2018, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेशन किया है? तो वो है कानपुर। तो यूपी में कानपुर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, ये इवेंट सेलिब्रेट हो रहा है, एग्रीकॉन 2018 और एग्री एक्सपो 2018। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू स्पॉन्सर इंडियन हॉकी टीम्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इंडियन हॉकी टीम्स को किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करने की अनाउंसमेंट की है? ये है उड़ीसा। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइक्लोन रिसेंटली हिट टोंगा? तो टोंगा बेसिकली एक कंट्री है, और आपको कमेंट में मुझे लिख कर बताना है कि टोंगा किस पर्टिकुलर रीजन में पड़ती है कॉन्टिनेंटल वाइज। और यहाँ पर अभी एक काफ़ी न्यूज़ में ये चल रहा था, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हर तरफ, तो इसके बारे में न्यूज़ आई है। अब आपको साइक्लोन का नाम बताना है, और ये एग्ज़ाम आप दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इस तरह के एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, जो खासकर रिसेंटली न्यूज़ में रहे हो। तो अगर आप अभी हाल फिलहाल में एक दो महीने में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम ज़रूर बताना चाहिए। तो ये है गीता। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 रिलीज की है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने, इसमें जो इंडिया का ट्री और फॉरेस्ट कवर है वो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 2 ईयर, हमें ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्री एंड फॉरेस्ट कवर दोनों को इंक्लूड करके बात कर रहा है, इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा है, ठीक है, और हमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बताना है, तो ये है 1%। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 24, एज पर रिपोर्ट रिलीज बाय द नीति आयोग, विच स्टेट हैज शोन द हाईएस्ट डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो एट बर्थ? देखिए दोस्तों, पहले तो ये पूछ रहा है सेक्स रेशियो एट बर्थ का पैरामीटर, और उस स्टेट का नाम बताना है जिसमें हाईएस्ट डिक्लाइन रहा हो, तो वो स्टेट है गुजरात। ऑलराइट, लेट मी गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसरो ने अभी अभी अनाउंस किया है रिगार्डिंग चंद्रयान 2 मिशन, तो किस पर्टिकुलर मंथ में चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है? वो है अप्रैल 2018। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा अभी आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से। Alright, let's move to next question. 26th, which state government has launched a mobile application named Pollution Meter to spread awareness about pollution? तो pollution से related awareness या फिर जागरूकता फैलाने के लिए ये एक application, mobile application launch की गई है, Pollution Meter। तो ये किस state में की गई है? वो है मध्य प्रदेश। Alright, let's move to next question. Question number 27, who has टॉप द फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल इन क्रिप्टो करेंसी रिलीज बाय फोर्ब्स? तो फोर्ब्स ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में क्रिप्टो करेंसी के बेस्ड पर रिचेस्ट पीपल की लिस्ट बनाई है, तो इस लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है? तो वो है क्रिस लार्सन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है एग्रीकल्चर
2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? न्यू दिल्ली। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से, पिछले एक साल से काफ़ी फोकस चल रहा है, यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के में जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम को डबल करने के लिए काफ़ी गवर्नमेंट और कमेटियाँ वगैरह इस्टेब्लिश की गई है, काफ़ी सारे प्रपोजल्स पर काम चल रहा है, तो उसके तहत ही ये कॉन्फ्रेंस थी, एग्रीकल्चर 2022 डबलिंग फार्मर्स इनकम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। नावराड ने अभी अनाउंस किया है टू लॉन्च अ 1918 करोड़ का एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर वन पर्टिकुलर स्टेट, तो वो स्टेट कौन सा है जहाँ पर ये यू नो प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया गया है प्लान, तो वो है पंजाब। दोस्तों मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि नावराड किस यू नो पर्टिकुलर ईयर में स्टेब्लिश किया गया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th। विच कंपनी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस एट इट्स गंधार फील्ड द फर्स्ट लार्ज स्केल CO2 इंजेक्शन इन एशिया, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक कंपनी है जिसने गंधार फील्ड के अंदर पहली लार्ज स्केल CO2 इंजेक्शन इन एशिया, तो एशिया के अंदर ये पहली होगी लार्ज स्केल CO2 इंजेक्शन प्लांट, तो ये है ONGC। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, तो ये कहाँ पर है? तो बेसिकली आप इस तरह से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस कहाँ पर यू नो है, किस स्टेट में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है टू चेंज द बेस ईयर ऑफ GDP एंड IIP, तो GDP और IIP के लिए हमेशा मेजरमेंट करने के लिए एक बेस ईयर यू नो हमेशा माना जाता है, तो अभी रिसेंटली वो बेस ईयर चेंज हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले सभी एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। हमेशा आपको बेस ईयर, जो करंट बेस ईयर चल रहा है, वो पता होना चाहिए, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, जैसे ही ये चेंज होता है, अनाउंसमेंट आती है न्यूज़ में, आपको प्लीज़ अपने आप को यू नो अपडेट कर लेना चाहिए, तो अभी ये बेस ईयर हो गया है 2017-18। Alright, let's move to next question. Question number 33. Researchers from the which country has discovered a new class of antibiotics from soil named Malassezin, which is capable of killing drug-resistant bacteria? तो जो drug-resistant bacteria होते हैं उसको भी है capable ये कहना होगी ना kill करने के लिए, और ये एक antibiotic from the soil है जिसका नाम है Malassezin। तो किस country के researchers ने find out किया है? USA। और आपको इस यू नो एंटीबायोटिक का नाम ध्यान रखना है, Malassezin। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 34। विच कंट्री हैज डिक्लेयर ड्रॉट अ नेशनल डिजास्टर, तो इस कंट्री ने जो ड्रॉट होता है उसको एज अ नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है, तो ये है साउथ अफ्रीका। देखिए इस तरह के डिक्लेरेशन से अगर इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट बेसिकली गवर्नमेंट स्ट्रेटजी वगैरह के लिए में इम्पैक्ट पड़ता है। हर साल जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है उस केस में जो स्पेशल मेजरमेंट वगैरह होते हैं, जब एक बार इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं, अदरवाइज एक स्पेशल प्रोविजंस वगैरह यू नो पास करके इनिशिएट करना पड़ता है इस तरह के प्रोग्राम्स को, ठीक है, तो अब इसको नेशनल डिजास्टर साउथ अफ्रीका में डिक्लेयर कर दिया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 35। हू हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर मोर देन 100 चैंपियन लीग गोल्स फॉर अ सिंगल क्लब, तो एक सिंगल क्लब के लिए मोर देन 100 चैंपियनशिप लीग गोल्स दागने का किताब किस प्लेयर को जाता है, और दिस इज द फर्स्ट प्लेयर, तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों मुझे कमेंट में लिख के बताइए ये किस क्लब के लिए फुटबॉल खेलते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $100 million फॉर फाइनेंसिंग अ वाटर प्रोजेक्ट, अब ये किस स्टेट के साथ किया है हमें ये बताना है, तो इंडिया में ये स्टेट है जिसके साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द लोन ऑफ $100 million, और ये जो प्रोजेक्ट है वो है वाटर प्रोजेक्ट, तो ये स्टेट है राजस्थान। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। हम्पी हैज अनाउंस्ड एज वन ऑफ द 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन टू बी डेवलप्ड एज एन आइकॉनिक टूरिज्म साइट, तो अभी ये स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से आइकॉनिक टूरिज्म साइट, जिसके अंदर हम्पी को सेलेक्ट किया गया है अपग्रेड करने के लिए टू यू नो मेक इट एज अ 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो अभी 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए गए हैं उसमें से ये एक है। अब ये कर्नाटका में है यह हम सब जानते हैं, लेकिन कर्नाटका के किस डिस्ट्रिक्ट में है हम्पी हमें ये बताना है, तो वो होगा बल्लारी।
आर्किटेक्चरल आर्ट एंड यू नो कल्चर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है तो ये एग्जाम में आ सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस। तो ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर वन ये बन चुके हैं, तो ये है रॉजर फेडरर। राइट, लेट मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज अपॉइंटेड एज द लीग एम्बेसडर फॉर द 2020 मुंबई लीग। 2020 मुंबई लीग के लिए लीग एम्बेसडर किनको अपॉइंट किया गया है, वो है सचिन तेंदुलकर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 48, विच कंपनी हैज बैक्ड एन ऑर्डर वर्थ रुपीज 560 करोड़ फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम फ्रॉम NTPC। ठीक है, तो फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के सेटअप के लिए 560 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये किस कंपनी को दिया गया है, तो वो कंपनी है बेल, BHEL। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो समिट है इज गोइंग टू हेल्ड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी समिट्स होती है जैसे G8 समिट, संघाई कॉर्पोरेशन समिट, यू नो, और तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज अभी हाल फिलहाल में कहाँ हो रही है इस पर्टिकुलर ईयर में या नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होने वाली है, ये आपको बहुत जरूर बिल्कुल ध्यान से पता होना चाहिए। तो अब ये जो होने वाली है, ये होने वाली है किंगदाओ चाइना के अंदर। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन फॉर थर्ड वीक ऑफ फरवरी। अभी तुरंत इसके बाद मैं फोर्थ वीक ऑफ फरवरी के लिए भी वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं जो जो वीडियो वीकली बनाता रहूँगा उसके इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास मिलते जाएंगे। और अगर आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इन सबको भी ठीक से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके आने वाले क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में आएंगे करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, इसमें से इससे भर नहीं आएंगे दोस्तों। मैं पूरा 360 डिग्री जितने भी यू नो हमारे टॉपिक्स होते हैं उन सबको देखते हुए ये खास तौर से सेलेक्ट करता हूँ क्वेश्चंस। तो आई कैन इंश्योर मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जस्ट विद दिस क्वेश्चन दे आर यूज टू यू नो एबल टू क्लियर ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।